इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाएंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर आरजेडी की तैयारियां तेज। इस वक्त की बड़ी खबर, चुनाव को लेकर आरजेडी ने की 22 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, आरजेडी की लिस्ट में 22 प्रत्याशियों के नाम शामिल। तो इस वक्त की बड़ी खबर, केंद्र और राज्य संसदीय बोर्ड ने प्रत्याशियों का चयन किया है। लोकसभा चुनाव को लेकर आरजेडी की तैयारियां तेज है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, चुनाव को लेकर आरजेडी ने 22 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। आरजेडी की लिस्ट में 22 प्रत्याशियों के नाम शामिल है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। केंद्रीय राज्य संसदीय बोर्ड ने प्रत्याशियों का चयन कर लिया है। लोकसभा चुनाव को लेकर आरजेडी की तैयारियां तेज हो चुकी है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां पर आरजेडी ने 22 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। आरजेडी की लिस्ट में 22 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। केंद्रीय और राज्य संसदीय बोर्ड ने प्रत्याशियों का चयन किया है। तो लोकसभा चुनाव नजदीक, ऐसे में आरजेडी की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। आरजेडी ने 22 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुरेश निखर जुड़ चुके हैं। जी सुरेश, आरजेडी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है जिसमें 22 प्रत्याशियों के नाम है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं बता दूं, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी ने उम्मीदवारों की आज देर शाम एक लिस्ट जारी की है। मैं एक चीज और बता दूं कि 4 उम्मीदवार जो है, खास करके गया, औरंगाबाद, जमुई और नवादा, इनकी औपचारिकता ही बची थी जो आज इन्होंने एक लिस्ट जारी करके इन लोगों का नाम का एक तरह से सिग्नल दे दिया है। मतलब इस लिस्ट में बिहार की कुल 22 सीटों के उम्मीदवारों का नामों का ऐलान किया गया। लिस्ट में लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है लालू प्रसाद की दोनों बेटियां जी, इसमें रोहिणी आचार्य सारण से और मीसा भारती पाटली पुत्र से उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा पूर्णिया से भी बीमा भारती को आधिकारिक तौर पर उम्मीदवार घोषित किया है। मैं एक चीज और बता दूं कि पूर्णिया से पप्पू यादव निर्दलीय से हाल 2 दिन पहले नॉमिनेशन फाइल किया है और वो निर्दलीय वहां से इलेक्शन लड़ेंगे। मैं एक चीज और कहूँ कि बीजेपी ने सारण से राजीव प्रताप रूढ़ी को टिकट दिया है, जबकि पाटलिपुत्र से बीजेपी के रामकृपाल यादव को उम्मीदवार बनाया है। मैं और चीज बता दूं कि गया सीट से कुमार सरजीत, नवादा से सरवन कुशवाहा, जमुई से अर्चना रविदास, बांका से जयप्रकाश यादव, दरभंगा से ललित यादव, बक्सर से शाकर सिंह, सुपौल से चंद्रहास चौपाल, पाटलिपुत्र से निशा भारती, वैशाली से विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला, औरंगाबाद से अभिष कुशवाहा, इनकी नाम की घोषणा आज हुई है। औपचारिकता फिर बची थी जो आज इनका घोषित, हालांकि ये फील्ड में काम कर रहे थे, प्रचार में लगे हुए थे। हाजीपुर से श्री चंद्र राम, अररिया से शाहनवाज आलम, जहानाबाद से सुरेंद्र प्रसाद यादव, मुंगेर से अनिता देवी महतो, अजरियारपुर से आलोक कुमार मेहता, सीतामढ़ी से अर्जुन राय, मधुबनी से अली अशरफ फातमी, वहीं वाल्मीकि नगर से दीपक यादव, शिवहर से रितु जसवाल और मधेपुरा से कुमार चंद्रदीप को टिकट दिया। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश जी हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।